Practice makes a man perfect. And that is the perfect saying about each and everybody in this world. And especially for the students who are working and who are preparing for their examinations. So, guys, just to fetch maximum marks in your exam, what is the criteria? The best criteria is to make practice again and again. So, if you make practice of the questions which are being asked in your examinations, obviously it would make you more strong.

चार ऑप्शन हमारे पास यहां पर है लव लेबर लॉस्ट मेजर फॉर मेजर एज यू लाइक इट एंड मच एडो अबाउट नथिंग सो गाइज अगर आप इन दो कैरेक्टर्स को देखें लाइक हीरो फर्स्ट वन आप यहां पर किसको देखते हैं फर्स्ट वन यू सी हीरो एंड देन पेट्राइज ऑब्वियसली इट इज मच एडो अबाउट नथिंग वन ऑफ अ कॉमेडी बिकॉज एवरीथिंग गेट्स वेल एट द एंड यानी कि रेजोल्यूशन दैट इज दाइज यहां पे क्या बनेगा हमारा अगले क्वेश्चन पे आते हैं ऑथर ऑफ द प्ले यूफियस का बेसिकली हम उसमें पूरा वर्क क्या है द एनाटोमी ऑफ वेड सो गाइज दिस पर्टिकुलर वर्क यानी कि यूफियस एज अ रिटन बाई जॉन लीली तो जॉन लीली के वर्क में अगर हम

मोस्ट ऑफ द कॉमेडीज इज नॉन एज बेन जॉनसन क्लासिकल्स में है क्लासिकल्स को फॉलो करता है ट्रेजिडी को एज अ ट्रेजेडी लिखता है मतलब प्योर कॉमेडीज तो गाइज यहां पर देखते हैं इट इज बेन जॉनसन ए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स इज नॉट रिटन बाई बेन जॉनसन भाई बेन जॉनसन की अगर हम बात करें बच्चों एवरी मैन एंड इज ह्यूमर एक बात मैं बता दूं आपको इस वर्क के बारे में एवरी मैन ह्यूमर इस वर्क में शेक्सपियर ने भी एक्ट किया था कितना इंपॉर्टेंट वर्क है कि शेक्सपियर एक्टेड इन वन ऑफ द वर्क ऑफ बेन जॉनसन ये क्या है हमारा एवरी मैन इन ह्यूमर और बच्चों दूसरा है वर्क सिजानस इज फॉल ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ट्रेजिडी है बाकी हम देखें एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर बिल्कुल है मैग्नेटिक लेडी ऑफ दिकॉन्सर्ट है लेकिन बच्चों जो सी है, है, का नहीं है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाई बेन जॉनसन कौन सी इसमें से लिखी गई थी अगर हम बच्चों देखें इसमें वुमेन देखो यहां पे वुमेन दिया है बिल्कुल गलत ह्यूमर आउट ऑफ द ब्रेथ मॉल जो कंटेंट लेकिन मिस्ट ऑब्वियसली इट वॉज रिटन बाई बेन जॉनसन तो आंसर हमारा क्या जाएगा, जाएगा. अगले क्वेश्चन की बात ऑफ द प्ले ह्यूमर डेज मेट अगर बच्चों हम देखें यह बेसिकली किसका लिखा हुआ है बेन जॉनसन जॉन मास्टर यह जोर्ज चैपमेन का लिखा हुआ है जोर्ज चैपमेन फिनिशर ऑफ द हीरो अनफिनिश बाई मार्डो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है तो यहां पे अगर हम इस वर्क को देखें ह्यूमरस डेज ह्यूमरस डेज तो ये भी किसने लिखा था जॉर्ज चैपमैन ने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ 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 ह्यूमर ह्यूमर आउट आउट ब्रेथ ब्रेथ तो breath, लिखा किसने था तो हम यहां पे देखेंगे जॉन डे इट वॉज जॉन डे तो हम इसका भी पता चल गया है कि ये वर्क बेसिकली जॉन डे का लिखा हुआ था

क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट हाउ मेनी ह्यूमर्स आर देयर इन ह्यूमन फिजियोलॉजी गाइज मैं बता बेन जॉनसन बेसिकली और हम कहते हैं यहां पे तो क्लासिकल पे ली ले जाती हैं देर आर फोर टोटल ह्यूमर इन ह्यूमन बींग बच्चों उसमें से क्या क्या है एक आपका ब्लड है एक आपका फ्लेम है और गाइज यहां पे येलो बाइल है येलो बाइल है और यहां पे ब्लैक बाइल है तो ये चार फ्लूड हमारे अंदर होते हैं और यही चारों फ्लूड क्या करते हैं बेसिकली एक ह्यूमन बींग्रामेंट को बैलेंस करते हैं या फिर टेम्परामेंट को बनाते हैं एक्सेस ऑफ एनी ऑफ दीज इन चारों में से अगर किसी की भी एक्सेस हो जाए वो पर्सन सेंट्रिक हो जाता है उसका बिहेवियर बदल जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्लेम की बात करें अगर ब्लैक बाइल अगर हम ब्लैक बाइल की बात करें तो पर्सन मिलन कॉलिक हो जाता है एंगर हम देखिए फ्लेम से आता है तो इस तरह से बेसिकली उस पर्सन के मूड टोन टेम्पर को कौन यहां पे लाइक बैलेंस कर रहा है या फिर कौन कंट्रोल कर रहा है इट इज द इट इज बीज फोर ह्यूमन इन हिज फिजियोलॉजी या उसकी बॉडी में जो होते हैं तो यही चार वहां पे आंसर आंसर हमारा बच्चों क्या बनेगा इट वुड बी बी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ द टेम्परामेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेस ऑफ द ह्यूमर ऑफ ब्लड तो अगर ब्लड की एक्सेस हो एक ह्यूमन बॉडी की ह्यूमन बॉडी में तो वहां पे बेसिकली क्या बनता है किसकी एक्सेस होती है हम देखते हैं ब्लड की एक्सेस ह्यूमर ऑफ ब्लड क्या बनाती है चेयरफुलनेस मिले काम या एंगर ऑब्वियसली इट इज चेयरफुलनेस यानी अगर ह्यूमन बींग में किसी में ब्लड ज्यादा होता है तो दैट पर्सन वुड बी हैप्पी इट वुड बी दियरनेस इट ही वुड बी चेयरफुल टोटली सो आंसर हमारा बच्चों क्या बनेगा यहां पर Hope these questions are really beneficial for you people. So, for more questions, be connected with me. Thank you so much.